जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें तो टेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग एमएस एक्सेल में क्यों किया जाता है? जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी है कि एमएस वर्ड में केस चेंज करने का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होता है। ये मैंने बताया है, शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से हम केस चेंज करते हैं, वो भी एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था। लेकिन एमएस एक्सेल की बात करें तो एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग मैंने क्या बताया था, बताइए? एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए मैंने बताया था। तो जैसे यहाँ पे अगर हम केस को चेंज करना चाहें कि जैसे कि अगर लिखा हुआ पूरा लेटर आपका कैपिटल है, स्मॉल में करना है या स्मॉल में है सेंटेंस केस में करना है, तो इसमें आपका शिफ्ट प्लस F3 काम नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए हमको फार्मूला यूज करना होता है। जैसे कि अगर वही अगर आपका एमएस वर्ड रहता तो अगर आपने कैपिटल में लिखा तो शिफ्ट प्लस F3 दबाते तो आपका स्मॉल में हो जाता या सेंटेंस केस में हो जाता। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बगैर फार्मूले का आपका कोई भी केस चेंज नहीं होता है, और इसमें जो आपका हेडिंग दिख रहा है वही आपका फार्मूला है। जैसे यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस बनाया है, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट नेम भी मैंने लिखा हुआ है, लास्ट नेम भी मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब नेम। तो सब नेम का मतलब ये होता है कि सब नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले ये भरने के लिए आता है कि फर्स्ट नेम आप भरिए, उसके बाद से मिडिल नेम भरिए और तब जाकर के पूरे को मिला करके तब सब नेम में भी आपको भरना होता है। तो सेम वैसे ही अगर आपको सब नेम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? और इसके बाद से आपका दिया हुआ है अपर, और अपर का मतलब ये होता है कि सारा लेटर आपके कैपिटल लेटर में आए, और उसके बाद से आपका आता है लोअर, और लोअर का मतलब स्मॉल लेटर में आएगा। अब इसके बाद से आता है प्रॉपर। तो देखिए, एमएस वर्ड में सेंटेंस केस के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्सेल में सेंटेंस केस को प्रॉपर केस के नाम से जाना जाता है। आपका मतलब कि प्रॉपर का मतलब ये होता है कि प्रॉपर का फार्मूला आप लगाएंगे तो जो आपके एमएस वर्ड में सेंटेंस केस का काम होता होगा वही आपके एमएस एक्सेल में प्रॉपर केस का भी काम हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट। अब आपसे ये कहा जाए कि जो आपने सबनेम निकाला है उससे लेफ्ट का 3 अक्षर आप निकाल करके दिखाइए, तो इसके लिए हम लेफ्ट फार्मूले का प्रयोग करेंगे। वही सेम सेम अगर आपको राइट से भी निकालना हो तो राइट का प्रयोग करेंगे, और वही मिडिल यानी कि बीच में से अगर कोई नंबर आपको निकालना हो, जैसे कि बीच से आपको 2 लेटर निकालना हो तो इसके लिए मिडिल का प्रयोग करेंगे। और लेंथ का मतलब होता है टेक्स्ट की लंबाई, यानी कि टोटल आपने कितना लेटर लिखा हुआ है उसको लेंथ को हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा होता है टेक्स्ट फंक्शन। इसमें एक एक फार्मूले हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें सबनेम आपको निकालना है तो सबनेम के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करेगा, ऐड कर लेगा, और ऐड करके तब आपको बताएगा कि सबनेम आपका क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए जो फार्मूला होता है, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉनकेटनेट। ये कॉनकेटनेट का फार्मूला होता है। इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉनकेटनेट, और यहां से हम ब्रेकेट ओपन करेंगे सबसे पहले। अब देखिए, हिंट में क्या मांग रहा है, टेक्स्ट वन मांग रहा है ना, तो इसमें सबसे पहले आपको लेना है फर्स्ट नेम और नीचे कॉमा करना है। इसके बाद से टेक्स्ट टू मांग रहा है तो यहाँ पे आपको लेना है लास्ट नेम, और यहां से हम ब्रेकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये दोनों को जोड़ करके बता दो। नहीं समझ में आया? इसमें जो फार्मूला होता है, सबसे पहले आप इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है कॉनकेटनेट फार्मूला और ब्रेकेट ओपन करिएगा। अब इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम लेना है और नीचे कॉमा करके इसमें आपको लास्ट नेम लेना है, और दोनों को जोड़ करके अगर आप लाना चाहते हैं तो ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो ये आपका सब नेम में निकल करके आ जाता है। सही है? अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सबका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, इस फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत? तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला मैंने यूज किया? कॉनकेटनेट फार्मूला मैंने यूज किया। एक्सेल में एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी स्पेलिंग गलत होगा फार्मूले में तो वो वैल्यू आपका कैप्चर नहीं कर पाएगा।
अब चलिए अपर का मतलब क्या होता है? अपर का मतलब ऊपर, अपर का मतलब कैपिटल होता है। तो अगर आपको कैपिटल लेटर में अगर आपको वैल्यू ज्ञात करना है, इसके लिए आपको सबनेम का इस्तेमाल करना होगा। जो आपका सबनेम दे रहा है बस वही आपका अपर नेम में भी आ जाएगा। और अपर का मतलब होता है कैपिटल लेटर। अगर लिखा हुआ पूरा डेटा आपका स्मॉल में है और कैपिटल लेटर में लेके आना चाहते हैं तो अपर फार्मूले का प्रयोग करें। अगर लिखा हुआ पूरा लेटर प्रॉपर केस में है, अगर आप अपर में लेके आना चाहते हैं, कैपिटल में लेके आना चाहते हैं, तो अपर केस का फार्मूला यूज करेंगे। बस केवल इसी में कॉन्केटनेट का फार्मूला लगा है, बाकी इसमें जो आपका हेडिंग है वही आपका फार्मूला बन जाएगा। इसका फार्मूला सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है UPPER। स्मॉल है कैपिटल है मतलब उससे नहीं है, स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए। और ब्रेकेट यहाँ से ओपन करिएगा। अब यहाँ पे बस केवल सिलेक्शन करना है सब नेम को और यहां से ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर करिएगा। ये सब अपर नेम में बता देगा आपको। या तो आप अपर नेम बोलिए या तो आप सब नेम बोलिए, बात दोनों का सेम ही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर अपर नेम वही है और सब नेम वही है, ये सोच रहे होंगे ना। तो देखिए सब नेम में अलग फार्मूला लगा है और अपर नेम में अलग फार्मूला लगा है, बस ये भी तो ध्यान दीजिए। डेटा तो आपका सेम है और डेटा सेम क्यों है? क्योंकि अपर केस का मतलब होता है कि पूरा का पूरा लेटर आपका क्या कर देगा? कैपिटल कर देगा। तो कैपिटल के हिसाब से सही निकाला है। अब आपको निकालना है लोअर, और लोअर का मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी कि जितना भी लेटर आपको कैपिटल में दिख रहा है उन सबको क्या करेगा? स्मॉल लेटर में कर देगा। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है लोअर और ब्रेकेट ओपन करिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे? बस केवल सबनेम को ही सिलेक्शन करना। अब यहां से ब्रेकेट को क्लोज करके आप एंटर करिए, सही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। ये आपका होता है लोअर नेम, और लोअर का मतलब पूरा का पूरा लेटर आपका स्मॉल होगा, कोई भी ऑप्शन कैपिटल नहीं होगा। अब चलिए अभी मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर बोला जाता है एक्सेल में, और एमएस वर्ड में क्या बोला जाता है? सेंटेंस केस। और सेंटेंस का इसका ये रूल है कि पहला लेटर कैपिटल करेगा बाकी स्मॉल कर देगा। तो अगर आपको प्रॉपर निकालना है तो बस सिंपल है, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है प्रॉपर और ब्रेकेट यहाँ से ओपन करिएगा। अब सबसे पहले क्या सिलेक्शन करना है? सब नेम सिलेक्शन करना है और बस ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए, सही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सब प्रॉपर केस में आ जाएगा। देखिए ऐसे फार्मूले का प्रयोग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मान के चलिए नॉर्मल कंडीशन से आप समझिए कि शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग हम केस चेंज करने के लिए MS Excel में नहीं करते, क्योंकि शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए केवल MS Word में ही किया जाता है, बाकी कोई अन्य सॉफ्टवेयर नहीं। जैसे कि आपका वर्डपैड हो गया तो वर्डपैड में भी शिफ्ट प्लस F3 काम करेगा, लेकिन वही आपका एक्सेल में काम नहीं करेगा। अगर अब आप शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो आपके एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन ओपन होता है, और इंसर्ट फंक्शन में क्या क्या आता है? सारे फार्मूले आपके आते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ शिफ्ट प्लस F3, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये सारे फार्मूले का लिस्ट आपके सामने आ जाता है। एवरेज निकालना हो, सम निकालना हो, काउंट निकालना हो, सब आ जाता है। तो ये हमारे इंसर्ट फंक्शन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका शिफ्ट प्लस F3 ये नहीं कि आप कैपिटल लिखा तो चलो स्मॉल कर देते हैं या इक्वल सम करके जोड़ देते हैं, नहीं। अगर सम का भी प्रयोग करेंगे तो सम का प्रयोग केवल नंबर को जोड़ने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए अब आपको निकालना है क्या? अब आपको यहाँ पे निकालना है लेफ्ट। अगर आपसे ये कहा जाए कि सबनेम से दो लेटर आप निकाल करके दिखाइए लेफ्ट साइड से, इसके लिए आपका लेफ्ट का फार्मूला लगेगा। सबसे पहले आप इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा लेफ्ट, ब्रेकेट ओपन करिएगा। अब सिलेक्शन किसको करेंगे? सबनेम को सिलेक्शन करेंगे। अब नीचे कॉमा करेंगे। आप बताइए कितनी वैल्यू को निकालना है? जितना भी निकालना हो, 2, 3, 4 जितना भी निकालना हो, बस वो नंबर आपको देना है। अब लेफ्ट साइड से 3 अक्षर छांट करके अलग कर देगा। देखिए ऑप्शन आपका दिया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपको लेफ्ट साइड से 3 अक्षर 4 अक्षर अगर आपको छांट के अलग करना है तो सबसे पहले इक्वल करिएगा
और यहाँ पे आपको लिखना है लेफ्ट और ब्रेकेट ओपन करिएगा। अब इसमें हम सिलेक्शन करेंगे किसको, सरनेम को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करके जितने नंबर, जितने मतलब कि आपको लेटर अलग करना है उतना नंबर आपको देना पड़ेगा और उतना लेटर आपको अलग करके दे देगा। देखिए सही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। सबके स्टार्टिंग में आपका दो लेटर यहाँ पे छांट करके दे देगा। बोलिए सही है कि गलत है। अब चलिए वैसे ही सेम सेम फार्मूला आपका राइट में भी काम करेगा। सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है राइट और ब्रेकेट ओपन करिएगा। अब किसको सिलेक्शन करना है, सबनेम को सिलेक्शन करना है। अब इसमें से मान के चलिए कि हम तीन अक्षर लेना चाहते हैं, वो भी किस साइड से, राइट साइड से। तो राइट साइड से अगर हम तीन अक्षर लेंगे तो यहाँ पे बस तीन लिख लीजिएगा, ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर करिएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये राइट से तीन अक्षर छाड़ देगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, आखिर ये जब दिया ही है तो इसका मतलब क्या है। देखिए बहुत बड़े बड़े कंपनियों में भी इसकी रिक्वायरमेंट आती है, जैसे कि नाम के हिसाब से अगर आपको कोई फार्मूला लगाना हो। देखिए हम लोग जो भी फार्मूले पढ़ाते हैं सब आमतौर पर यूज होती है ज्यादा मात्रा में, इसलिए जो कॉमन की चीजें जो बार बार आपके प्रयोग में आती है उसी को हम लोग ज्यादा मात्रा में एक्सेल में फोकस करते हैं ताकि आपको दिक्कत कोई ना हो कंपनी में काम करने का। हो सके कि ऐसे रिक्वायरमेंट आ गए तो अगर आपको जानकारी रहेगा टेक्स्ट फंक्शन के बारे में तभी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो पता ही चला कि शिफ्ट प्लस F3 लगा रहे हैं केस आपका चेंज हो ही नहीं रहा। फिर आप सोचेंगे कि वही एमएस वर्ड में पढ़ाया गया, फिर वही ऑप्शन होगा कि चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर फार्मूले की जानकारी रहेगी तो आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब आपको निकालना है मिडिल, और मिडिल का मतलब होता है बीच का नंबर। जैसे मान के चलिए कि हम मिडिल में यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आप इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है मिड और ब्रेकेट ओपन करिएगा। अब इसमें सबसे पहले हम सबनेम को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। आप बताइए कितने लेटर को छोड़ करके बीच से आप लेटर लेना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग से दो लेटर छोड़ दिया जाए और बीच से दो लेटर ले लिया जाए, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा बताइए। हम ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग से दो लेटर छोड़ दिया जाए और इस बीच में से दो लेटर ले लिया जाए, क्या आएगा। बस एंटर करके देखिए क्यों आया है जी, क्योंकि जहां पे सेकंड वैल्यू खत्म होती है उसी को पहला नंबर मान लेता, नहीं समझे। जैसे कि R और E ये दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, ये को पहला मान करके फिर वहां से दूसरा वैल्यू काउंट करें, समझ में आ रहा है ना। ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सेल की फार्मूला है इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे तीन और दो लेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा बताइए। अगर हम यहाँ पे दो को हटा के तीन ले लेते हैं और दो रखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा। हाँ जी ए आ जाएगा, सही है, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए दो के जगह पे अगर हम तीन ले लेंगे तब क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, जे ए एन आएगा। देखिए अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सेकंड में क्या रिस्पॉन्स आएगा, सेकंड में क्या आएगा। देखिए इसी को बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस आप ये समझिए कि जितनी वैल्यू आपको प्राप्त करना है जहां पे इंड होगा उसी को ये पहला लेटर मान लेगा। अगर आप चार रखेंगे तो जहां पे चार इंड होगा उसी को पहला नंबर मान लेगा। अगर आप पांच रखेंगे तो जहां पे पांच इंड होगा उसी को पहला नंबर मान लेगा, और उसी के हिसाब से वैल्यू आप फाइंड कर दीजिए। अब चलिए अब आपको निकालना है क्या, लेंथ। तो लेंथ का मतलब होता है टेक्स्ट की लंबाई। अब बताइए सबनेम में आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कै गो लेटर लिखा है तो क्या जानकारी दी, इसके लिए आपका फार्मूला है। देखिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे आपको लिखना है लेन और ब्रेकेट ओपन कर दीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले आपको ले लेना है सबनेम। अब जैसे ही ब्रेकेट को क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो ये लेंथ आपका निकल करके आ जाएगा कि टोटल आपने 10 लेटर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आठ क्यों आया, क्योंकि काउंट करिए सबनेम में मात्र आठ ही लेटर लिखा हुआ, कितना लेटर लिखा है। अरे कुमार पांच, पांच अक्षर ये हो गया और राम तीन अक्षर ये हो गया, तो पांच और तीन आठ सही तो है। लेकिन इसमें केयर करिएगा, इसमें स्पेस को भी काउंट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे सबनेम में देखें तो राजन और वर्मा दोनों एक ही में लिखा हुआ, बोली। लेकिन हम ये चाहते हैं कि राजन अलग और वर्मा अलग, थोड़ा सा बीच में स्पेस में, तो ये स्पेस को भी काउंट करेगा। अगर आप यहाँ पे स्पेस बढ़ाएंगे तो लेंथ 10 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
जहां पे आपका 12 है वहां पे आपका 13 हो जाएगा, जहां पे आपका 8 है वहां पे आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेस को भी काउंट करता है। अब देखिए, अगर अपर नेम के बीच में, सॉरी, अगर आपको सब नेम के बीच में अगर आपको स्पेस लेना है, जैसे कि कोई भी फार्म भरते हैं तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, लेकिन इसमें तो पूरा चिपका हुआ है। हम ये चाहते हैं कि दोनों स्पेस, मतलब कि दोनों नाम के बीच में स्पेस दे दिया जाए। तो देखिए, स्पेस आप कहां से देंगे, यहां पे आप आइएगा सबसे पहले लास्ट नेम वाले ऑप्शन पे, और कर्सर से दो बार यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्लिक, जैसे ही माउस से दो बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर दिख रहा है ना, स्पेस बटन आप दबा दीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पे 10 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम कोई चेंजेस करेंगे तो सब में होगा ना, क्योंकि फार्मूला सब इसी से अटैचमेंट है आपका। और फिर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और स्पेस बढ़ाना, तो बस यहाँ पे एक बार स्पेस बटन दबा दीजिए, फिर यहाँ पे आइएगा, स्पेस बटन एक बार आप दबा दीजिए, देखिए लेंथ में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, बस यहाँ पे स्पेस आपको एक बार लेना, एक बार स्पेस देंगे यहाँ से सबनेम में स्पेस आपको मिल जाएगा। देखिए, अब देखिए, जहां पे 8 था वहां पे 9 हो गया, जहां पे 12 था वहां पे 13 हो गया, जहां पे 10 था वहां पे कितना हो गया, 11 हो गया। पर ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको स्पेस देना हो तो लास्ट नेम के स्टार्टिंग में आकर के बस आप एक बार स्पेस बटन दबा दीजिए, बाकी कोई ऑप्शन इसमें नहीं हो जाएगा। चलिए फार्मूला लिखवा दें, फार्मूला लिख लीजिए, क्या चीज, हाँ, तो जब स्पेस देंगे तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल, ए भी पहला अक्षर कैपिटल, जब दो भागों में डिवाइड होगा तो दोनों का पहला अक्षर कैपिटल कर देगा ना।